कट्टरपंथी सोच किसी एक सरहद तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। और अब कट्टरपंथियों का जहरीला एजेंडा कतर से कश्मीर तक दिखाई दे रहा है। कतर में नफरत के नायक का रेड कार्पेट बिछाकर वेलकम किया जाना इसका एक सबूत है। तो एक सबूत तुर्की से भी सामने आया है, जो कश्मीर के जरिए दुनिया में एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। ये साजिश है खिलाफत सिस्टम को फिर से एक्टिव करने की, और इसके डायरेक्टर हैं खुद को मुस्लिम मुल्कों का बादशाह बनाने का सपना देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। एर्दोगान की इस साजिश का सेंटर है जम्मू कश्मीर, जहां नई साजिश हो रही है। कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले तुर्की की नई साजिश एक्सपोज हो गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का यार, पाकिस्तान का मददगार तुर्की नया प्रपंच रच रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए, जब कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों की कमर तोड़ दी, तो अब तुर्की के जरिए पाकिस्तान नया लॉन्च पैड बना रहा है, जिसमें टारगेट पर कश्मीर बेस्ड पत्रकार हैं। टीवी स्क्रीन पर जो आप तुर्की और पाकिस्तान के तथा कथित गठजोड़ वाली तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की है जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इमरान की मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से हुई थी। उसी एर्दोगान से जो कई बार कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालकर अपनी भारत विरोधी मानसिकता का परिचय दे चुके हैं। फिलहाल आज हम तुर्की और पाकिस्तान की नई साजिश की बात कर रहे हैं, जो कश्मीर में चल रही है। आरोप है तुर्की में बैठा एक शख्स कश्मीर में पत्रकारों को टारगेट कर रहा है। जांच में पता चला है कि कश्मीरी पत्रकारों को तुर्की में बैठे आतंकी मुख्तार बाबा की ओर से धमकी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्तार बाबा के 6 साथियों के होने का भी शक है। टेलीग्राम के जरिए पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, 11 कश्मीर बेस्ड पत्रकारों को हिट लिस्ट में रखा गया है, जिसके बाद पत्रकारों ने अपने संस्थान द राइजिंग कश्मीर अखबार से इस्तीफा दे दिया है। कश्मीरी पत्रकारों ने बाकायदा अपने इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। आपको बता दें कि घाटी में बीते सालों से लेकर अब तक दर्जनों पत्रकार आतंकवादियों की गोली का निशाना बन चुके हैं। आपको बताते हैं धमकी में लिखा क्या है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि घाटी में भारतीय प्रायोजित मीडिया घरानों से संबंधित किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये वो धमकी है। इन देशद्रोही मीडिया घरानों के साथ काम करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि ये लोग नकली बातें फैला रहे हैं। ये तो साफ है कि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की ख्वाहिश देखने वाले तुर्की जम्मू कश्मीर में जमहूरियत पर चोट पहुंचाने की साजिश रच रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि तुर्की की हरकत नई नहीं है, पहले भी पत्रकारों को इस तरीके की धमकियां मिलती रही हैं। घाटी में रहने वाले कुछ पत्रकार भी बता रहे हैं कि कैसे यहां की अमन और शांति में खलल डालने की कोशिशें हो रही हैं। पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारी एजेंसियों की तरफ से जो धमकियां या बाकी चीज़ें सहाफ़ियों के ऊपर ठोसे गए, हमें लगता है कि जो यहाँ के जो सहाफ़ी है उनको पहले से ही ये चैलेंज इन चैलेंजेस को सामना करना पड़ा। उन जर्नलिस्ट को जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले भी जो है ऐसे थ्रेट लेटर्स आए हैं, आज भी आए और इससे पहले भी जो है आते रहेंगे, लेकिन उन सहाफ़ी को चाहिए कि वो अपना कलम ना छोड़े और हमेशा जो है सच का साथ देते हुए सच लिखे, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। चाहते हैं कि जो मौत का जहाँ पर लंबा सिलसिला बर्बादी का सिलसिला चला, आज जर्नलिस्ट उसी सिलसिले को उनके हिसाब से यहाँ पर पेश करे। जहाँ आज अमन है तो जर्नलिस्ट अमन की बात करेगा, जहाँ अगर आज अच्छे तरीके से लोग रह रहे हैं तो जर्नलिस्ट उसी को देखेगा, उसी को बयान करेगा। जर्नलिस्ट के मुंह में अगर आप ये डालेंगे कि लोग जहाँ पर बड़े परेशान हैं तो परेशान हो गए तो परेशान कहेंगे। वैसे इसके सबूत तब भी देखने को मिले थे जब जम्मू कश्मीर में तुर्की मेड पिस्तौल पकड़ी गई थी। इसी साल जुलाई में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी से तुर्की मेड पिस्तौल बरामद की थी।